हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली यदर है। मेरा नाम वकार है। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं महाभारत का 83 एपिसोड। लास्ट में हमने देखा था कि जो साधु पंडित थे जिन पर द्रौपदी ने जुल्म किया, अत्याचार किया था, वो वापस अर्जुन वालों के पास आ गए और अर्जुन वालों ने उनको मतलब बिठा के खाना भी खिलाया, तो बहुत अच्छा लगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। प्ले करें। चलो यार, पांच पांडवों को पराजित करने के लिए एक पुत्र मिला सब पुत्र। हम तो ऐसा यज्ञ करने में असमर्थ थे, किंतु महर्षि याज और महर्षि उपयाज ने हमारा रक्षण किया। उन्होंने अपना सारा पुण्य देकर ईश्वर से एक पुत्र मांगा है द्रुपद के लिए। हमने देखो पुत्र मांगा है, क्या है पता नहीं। इस समय ऐसा ही यज्ञ चल रहा होगा कौंपील्य नगर में। आपकी आहुतियों से देवता प्रसन्न है महाराज द्रुपद। अब आपकी मनोकामना पूर्ण होने का समय आ गया है। अब आपकी मनोकामना पूर्ण होने का समय आ गया है। मांगिए, कैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए आपका हृदय तड़प रहा है महाराज द्रुपद। पुत्र वो होता है जो अपने पिता की महत्वाकांक्षा को अपना भाग्य समझे। मेरी तलवार की आहुति देकर मैं मांगता हूं एक ऐसा पुत्र जिसका क्रोध तलवार की भांति तीक्ष्ण हो। तलवार इधर पुत्र। कवच की आहुति देकर मांगता हूं ऐसा पुत्र जिसका अभिमान कवच की भांति अटूट हो। अपने रक्त की आहुति देकर मैं मांगता हूं
शक्तिशाली जिसके रक्त के कण कण में प्रतिशोध बसा हो। बेटी रोई ने पुत्र की कामना है तो द्रोण का शीश काटकर मेरे चरणों में अर्पित करे। दृष्ट का अर्थ होता है स्थिर। युम्न का अर्थ होता है प्रकाश। सदा सदा जिसका प्रकाश रहेगा, ऐसा पुत्र प्रदान किया है आपको देवताओं ने। मेरा पुत्र दृष्ट द्युम्न। दृष्ट द्युम्न अग्नि मेरा पुत्र दृष्ट द्युम्न। खुश भी है भाई, बेटा आया है, बेटा भी एकदम रेडीमेड भाई। हाँ उधर बड़ा हम समझे बच्चा होगा, देवताओं ने दिया है। फायरमैन भाई क्या एंट्री दी है, ठंडी जी भी बहुत हैरान है। उसको सिद्धि ने आशीर्वाद दिया था खंडनी को, पर पता नहीं क्यों। वाह यार ये आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। कौन उसको मिला? आपके आदेश का पालन करने के हेतु मैं अपने प्राण त्याग कर सकूं। जुग जुग जियो, अजय रहो। आलिंगन दो अपने पिता को।
पुत्र दुष्टद्युम्न। तो ऐसा यज्ञ आपने क्यों नहीं किया ऋषि? महर्षि याज और उपयाज जितना पुण्य नहीं है हमारे पास, हम वो पुत्र नहीं दे पाते द्रुपद को, दुष्ट भाग्य में है ही नहीं। उनके भाग्य में तो केवल एक पुत्री है। तात्पर्य? महर्षि उपयाज ने कहा था वो पुत्री केवल पांचाल का ही नहीं समग्र आर्यवर्त का भाग्य बदल देगी। मुबारक हो यार, द्रौपद को भी बेटा मिल गया, बड़ी ख्वाहिश थी उसको भी बेटा मिले। आज जो बेटा बेटा उसको मिल गया भाई, आग में से इस तरह निकला, हैंडसम लग रहा था। और पता नहीं अब इसका क्या काम है, ये मेरे ख्याल में गुरु द्रोणाचार्य का पास भी जाएगा और पांडवों के पास भी, तो देखेंगे क्या होता है। बाकी मज़ा आ गया यार आज। पहले मैं समझा था कि इनको बच्चा होगा छोटा, वो बड़ा होगा, जैसे दुर्योधन वालों को हुए थे या कुंती जी को देवताओं ने दी, लेकिन देवताओं ने द्रौपद को तो भाई साहब इधर ही बड़ा बेटा दे दिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे आपके साथ। अभी तो भाई साहब महाभारत और भी खतरनाक भाई, हम तो चौंक गए ऐसे आग से एक बेटा भी मिल गया द्रौपद को। चलो उसका गुस्सा तो ठंडा हो गया, आगे देखेंगे, इंटरेस्टिंग होने वाला। श्री खंडनी जी की भी आंखें खुली की खुली रह गई। आज मैं भी हैरान हो गया भाई, द्रौपद को जब बेटा मिला ना तो भाई मेरी भी आंखें खुल गई भाई। अगर द्रौपद को भाई ऐसे बेटा मिल सकता है ना, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई 5-10 और मांग ले भाई, क्योंकि भाई ये अगर 5-10 मुश्किल से मिला है उसको। अच्छा, ये आएगी, देखते वो बेटी कहाँ है। ये तो हमने सुना था भाई पंडितों ने कहा पहले बेटी मिलेगी, फिर आपको उससे पुत्र जो आएगा ना, फिर वो भाई बड़ा पराज। तो भाई ये तो बड़ा खतरनाक मांगा है भाई, हाथ भी काट कर खून भी दिया, अपना कवच तलवारे और ये उनको बेटा मिला है आग से भाई। शिव जी की पूजा भी कर रहे थे भाई, आज तो मुझे भी बड़ा डर लग रहा है, ये तो आग से आया है। अब हम तो टेंशन में आ गए फिर से यार, हमें लगा यार अभी पांडव जिंदा बच गए, अभी खुशी से जी रहे हैं, पर ये दूसरी तरह से फिर से खतरा आ गया। तो देखते हैं इस खतरे का मुकाबला किस तरह करते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।